हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज अगेन मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ डार्क सर्कल के ऊपर। किस तरीके से घर बैठे आप अपने डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के डार्क सर्कल क्यों क्यों होते डार्क सर्कल और उसके लिए क्या बेस्ट क्रीम आप यूज़ करिए और डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जो इन क्लिनिक होते हैं जो हम लोग करते हैं। आप जब मेरे पास आएंगे क्लिनिक में तो हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डार्क सर्कल हमको होते क्यों हैं। हमारी आंखों के अराउंड की जो स्किन होती है, अराउंड स्किन जो होती है वो थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है। वहाँ पे माइन्यूट कैपिलरीज होती है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो हमारे फेस की स्किन और आई की स्किन बहुत फ़र्क है ना, डिफरेंट स्किन है, थिक है यहाँ पे, थिन है। बहुत बार कई बार आप प्रॉपर सोते नहीं हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ स्लीप है ना, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस, आप खूब ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रेन पड़ रहा है, आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने लेके बैठे हुए, किताबें खोल के बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हो तो आप यूँ करने लगते हो, यूँ करने लगते हो, वहाँ पे आई में जब मसल सिकोड़ते हो तो वहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस होता है, वहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके कारण भी वहाँ की स्किन में ढीलापन आ जाता है और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे खून का फ्लो गड़बड़ होने लगता है। अभी चक्कर क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपके धीरे धीरे आई बैग्स भी आने लगेंगे, बिकॉज आपकी वहाँ पे आई की स्किन में इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, स्ट्रेन के कारण वहाँ पे डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट जब पीते हैं तो उसमें निकोटीन होता है तो वो वैसे कॉन्सेशन कराता है, अगेन वो वहाँ पे खून का फ्लो कम कर देता है। जब खून का फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा वो कैसे वर्क करेगा, खून का फ्लो अगर कम होता है तो। जनरली बहुत बार जब आप रब करते हैं आई को, अब जब आप आई को रब करते हैं तो वहाँ पे स्किन बहुत थिन है, ठीक है, और वहाँ पे जो माइन्यूट कैपिलरीज है वो ब्रेक हो जाती है, जब वहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगता है, दैट अगेन कॉजेज डार्क सर्कल। अभी जब आप वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट हो रहा है तो वहाँ पे रिमूव करने के लिए वहाँ पे सर्कुलेशन चाहिए, बिकॉज आप सिगरेट भी पीते थे तो वो उस चीज़ को और बढ़ा देगा, वहाँ पे वेस्ट कॉन्सेशन जाएगा तो वहाँ पे खून का फ्लो और स्लो हो जाएगा, विच इंड्यूस योर डार्क सर्कल। आयरन डेफिशिएंसी के कारण डार्क सर्कल हो जाते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण डार्क सर्कल होते हैं, आप स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो आई बैग्स हो जाएंगे, आपको हॉलोनेस आ जाएगी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप बार बार रब कर रहे हो तो वहाँ पे इंजरी हो रही है, इंजरी होगी तो वहाँ पे ब्लड वेसल इंजरी होगी तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगेंगे। अल्कोहल पीते हैं तो वहाँ पे आपको डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक्स, बहुत सारे रीज़न है, ओवर सन एक्सपोजर, जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, नहीं लगाते तो भी आपके पिगमेंट बनते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई है ड्यू टू एज होती है, एज फैक्टर के कारण भी, तो भी नीचे बिकॉज ऑफ बोन, यहाँ पे जो डीप साइड आई बैग कहते हैं, बिकॉज ऑफ बोन वो ज़्यादा आपको उसमें शेडोइंग आने लगती है, तो डार्क सर्कल दिखने लगते हैं। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के डार्क सर्कल हो रहे हैं, इट्स वेदर इट्स हार्मोनल, वेदर स्ट्रेस, आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस कारण से डार्क सर्कल हो रहे हैं, वेदर इट्स ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस, हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है, सिगरेट के कारण है, रब करने के कारण हो रहा है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप गॉगल चश्मा नहीं पहनते हैं, आपको स्पेक्स लगे हैं, स्पेक्स नहीं पहनते नंबर वाला, तो भी आपको डार्क सर्कल बढ़ सकते हैं, बिकॉज आप उसमें जब आप स्पेक्स नहीं पहनेंगे तो आप उसको विजन देखने के लिए, आपको विजन ब्लर रहेगा तो आप उसको देखने के लिए यूं यूं करोगे, जब आप यूं यूं करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेन पड़ेगा तो अगेन वो आपको डार्क सर्कल कॉज करेगा। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है, और बहुत सारे चीज़ें और भी ज़्यादा होती हैं बट मेजर ये थी। तो इसको ट्रीट कैसे कर सकें, तो घर बैठ के अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम लेके आया हूँ, इट्स समीशा अंडर आई जेल, इट्स वेरी गुड आई जेल विच गिव यू रिजल्ट इन विद इन 3 वीक्स। आपकी डार्क सर्कल को देखो, 100% डार्क सर्कल कोई भी चीज़ खत्म नहीं कर सकती है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डार्क सर्कल होते हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं, तो यू हैव टू रूल आउट फर्स्ट थिंग। होम के लिए अगर आप बात करें घर में रहकर ट्रीटमेंट करने के लिए, तो दिस समीशा अंडर आई जेल इज़ वेरी गुड, विच आई फील कि विद इन 3 वीक्स में रिजल्ट मिल जाते हैं इसमें, और ये इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है और इसमें बहुत सी चीज़ें, एलोवेरा भी है और स्मेल भी बहुत अच्छी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपकी डार्क सर्कल पर वर्क करती है। तो डार्क सर्कल पर वर्क कैसे कर रही है, ये वहाँ पर आपको स्लाइटली खून का फ्लो बढ़ाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी, जब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ जाएगा आपके वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये वहाँ पे आपकी जो डिहाइड्रेट स्किन उसको भी हाइड्रेट करेगी, और इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जो आपके पफीनेस होती है आई में, आपको देखना अपने आई पफ आ जाते हैं, आई बैग्स आ जाते हैं, उसको भी रिड्यूस करती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि आपका आई बैग ज़्यादा आ रहे हैं कुछ है, तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो विद इन 3 वीक्स आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो अपने अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है, तो आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैं यहाँ पे
मैं अपने सैनिटाइज कर लेता हूँ बिकॉज आपके हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हो. अभी ये क्रीम आपको लगाना है आंखों के चारों तरफ, तो आप नहीं चाहोगे कोई भी बैक्टीरिया आपकी आंखों में जाए. तो ड्राई कर लीजिए इसके बाद. और सिंपल सा है ये, बहुत ज़्यादा क्रीम आती है और आपको लेना बहुत थोड़ा सा है. ज़्यादा क्रीम लगाने से जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा. यू हैव टू टेक दिस रिंग फिंगर, हल्का सा पीनट टिप पे लेना है, पीनट शेप, और हल्का सा आपको डेली नाइट में टैप 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 करना है अंटिल इट गेट एब्जॉर्ब. रिमेंबर यहाँ से स्टार्ट करके आखिर तक जाना है आपको, और स्लाइटली लेके यू हैव टू मसाज इट, नॉट वेरी टाइटली. यू हैव टू जस्ट टैप इट. ओके, जस्ट टैप इट फॉर 3 to 4 minutes, 5 minutes. अगेन बाय डूइंग दिस इट विल इंक्रीज योर ब्लड फ्लो. सो हीमोग्लोबिन पिगमेंट अगर डिपॉजिट है तो भी वो कवर अप हो जाएगा. सो यू हैव टू डू इट एवरी नाइट अंटिल फॉर 5 to 6 minutes अंटिल इट गेट एब्जॉर्ब एंड अप्लाई एंड लीव इट. डोंट यूज एनीथिंग एल्स ओवर इट. रिमेंबर आई के अंदर नहीं जाना चाहिए, अगर आई के अंदर जाएगा तो इरीटेट होगा. तो पलकों से थोड़ा नीचे रखें और इसको लगा के मसाज करके बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही प्यारे पोले हाथों से आपको मसाज करके छोड़ना है. ज़्यादा रगड़ेंगे ना, देखो क्या होता है कई बार जैसे आपको स्ट्रेन हो रहा है, आपको चश्मा लगा हुआ है, आप चश्मा नहीं पहनते हो तो आप यूं ही देखते हो, आपको स्ट्रेन होता है. या आप कंप्यूटर के सामने ज़्यादा स्क्रीन सामने बैठे हो या मोबाइल के सामने ज़्यादा बैठे हो तो आपका आई में स्ट्रेन होता है. लोगों की आदत पड़ जाती है जब आई में स्ट्रेन होता है तो उसको रगड़ने की, मलने की. जब आई को मलते हो, मसाज करते हो, वहाँ पर तेज तेज रगड़ते हो तो वहाँ पर जो माइन्यूट वेसल्स होती है वो ब्रेक हो जाती हैं, विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ डार्क सर्कल. वहाँ पर डार्क सर्कल आने के मेजर कॉज हो जाता है बिकॉज वहाँ पर हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे रिमूव नहीं होता है, मतलब वो बहुत ही टाइम लगता है रिमूव होने में. और यहाँ पर स्किन बहुत थिन है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो बहुत सी रीज़न है उसको. थोड़ा अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर स्लीप लीजिए, 8 hours की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर जूस पीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, आयरन डेफिशिएंसी चेक कराइए. अगर आपको लग रहा है कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी है तो साथ में आयरन लीजिए. और ये क्रीम तो है, और बाकी जो ट्रीटमेंट इन क्लिनिक होते हैं वो और हम लोग लेज़र के थ्रू कर सकते हैं. लेज़र हम जब पीको लेज़र के थ्रू पिगमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, किसी को जेड पूरे गड्ढे अगर हॉलो है तो हम फिलर डाल के उसको उठा सकते हैं. PRP की जाती है और वाइटामिन सी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं मेसोथेरेपी के थ्रू. तो दे आर डिफरेंट वेज हम ट्रीट कर सकते हैं डार्क सर्कल को. बट इन होम अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो ये 799 की क्रीम आती है समीशा की अंडर आई जेल, जो आपको नीचे वेबसाइट में मैं लिख दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हो. और एक प्रोमो कोड है विच इज़ पॉइजन 15, आप जब डालेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और मेरे ख्याल से एक ही शीशी आप लेंगे और एक शीशी में ही आपका कवर अप हो जाएगा पूरे डार्क सर्कल, 70-80% ख़त्म हो जाएंगे. अगेन डिपेंड रीज़न, देखो कई बार मेडिकेटेड रीज़न भी होते हैं, लाइक आपको एकेंथ्रेसिनाइग्रेंस है उसके कारण भी डार्क सर्कल आ सकते हैं, आपको साइनसाइटिस है उसके कारण भी डार्क सर्कल आ सकते हैं, आपको एलर्जी है, कोई डर्मेटाइटिस हो रहा है उसके कारण भी डार्क सर्कल, इसके वहाँ पर स्किन डार्क हो सकती है. तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये 100% आपको सब में ख़त्म कर देगा, बट येस ये आपको कवर अप करेगा, 60-70% डार्क सर्कल को कवर अप कर देगा. तो बाकी आपको अंडरलाइन कॉज को भी पकड़ना पड़ेगा. तो अगर नॉर्मली स्ट्रेस इंड्यूस है या स्लीप डिप्रिवेशन ऑफ स्लीप के कारण अगर आपको हो रहा है या आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो आप ये सब लेंगे चीज़ें तो ये बहुत जल्दी वर्क करेगा. तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, सिगरेट मत पीजिए, स्मोकिंग से भी डार्क सर्कल बढ़ते हैं, अल्कोहल को नहीं लीजिए उस पैसे भी बॉडी ख़राब होता है, बॉडी ख़राब करती है. और कैफीन के हायर इंटेक के कारण भी होता है तो कैफीन को भी कट डाउन करिए. बहुत सी चीज़ें जो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिले. तो मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता इंस्टाग्राम पे, मैं आपका वेट करूंगा. आइए वहाँ पे, कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा. और ये है अंडर आई जेल समीशा का, नीचे मैं वेबसाइट लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे इसकी MRP है 799, जो कि अभी मिल रहा है 499 में. उसमें भी अगर आप प्रोमो कोड ऐड करेंगे पॉइजन 15 तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको 424 के आसपास अप्रॉक्स पड़ेगी. तो इतनी बड़ी क्रीम 424 की आपकी आंखों से बढ़ के तो नहीं है, बिकॉज जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, फर्स्ट लुक पड़ता है, तो हम आंखें अगर आपकी डार्क सर्कल है तो आई डोंट थिंक कि कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. तो पहला लुक अच्छा होना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, और अपनी आंखों के लिए इतना तो करना बनता है. तो चाहिए, वेट क्या कर रहे हो, अपनी आंखों के लिए जाके samisha.com पे जाके इसको परचेस कीजिए. और बाकी कोई भी डाउट है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ. मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा. बाय.